रोजाना नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। बिछड़े हैं ऐसे लगता है जैसे जीना सजा हो गया, अब जिंदगी से रूठा है रब ये मेरा पता मिट गया। हूँ मैं अकेला क्यों बेतहाशा, चैनो सुकून मिट गया। तुम दोनों जिसे को चाहते हो राइट? मुझे इम्तियाज में कोई इंटरेस्ट। सुफिया, क्या था ये? तुम उसके साथ सोई हो? He's a fucking loser and you slept with him. Just shut up. Which world are you in? He's my husband. तुम्हें हो क्या क्या है? कहाँ है वो सुफियान जिसको जिसमें सिर्फ अच्छाई भरी हुई थी? तू चुप रह। सुफी, रुक जा। सुफी, ये रहा हमारा प्यार, पैशनेट और डिस्ट्रक्टिव। तुम्हारा प्यार मुझे डिस्ट्रॉय कर रहा है, इट बर्न्स मी। वसीम चाचा ने मैट्रेस एक्सचेंज कर दी है तो मैं तुम्हारी पैकिंग कर देती हूँ। यार रुको, देखो मैं सोच रहा हूँ कि मुझे वो ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए। इतना सब कुछ हो गया कायनात, मैं तुम्हें अकेला छोड़ के नहीं जाना चाहता। नहीं इम्तियाज, कायनात प्लीज मेरी बात सुनो। ये दिल्ली की क्लाइंट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है।
These investors are very important for us. We need to understand. I. तुम जाओ, मैं पैक. बेटा, कायनात सही कह रही है. तुम्हें पता है ना ये मीटिंग हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट है. जी. मौसिकी में मेरी तू ही तू बसी. I choose Imtiaz to be my partner. फिर तू भी चली गई, आके मुझे पुकार ले, मेरी सांसें कम बची. दिल की बेबाकी का मान रखा, अम्मी के मशवरे भी सुने, पर वो मेरी ना हो पाई. डील मैंने जीती कर, बट आई वॉज द बिगेस्ट लूजर. बिगेस्ट लूजर. कुछ नहीं बचाया. जिंदगी में कहते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है जब लोग ग्राउंड जीरो पे गिर जाते हैं. आई हिट दैट. इम्तियाज तू जीत गया यार. अब मुझे तेरे शेयर्स नहीं चाहिए, ना ही तेरी. तेरे पर तू साथ नहीं. तबाही है मेरी. ग्राउंड जीरो. अ जीरो लाइक मी. व्हाट अ लूजर. कायनात मेरी होते हुए भी नहीं हो पाई. आई लॉस्ट अ मैन. मैं कुछ नहीं जीता, कुछ भी नहीं. हार के जीतने वालों कहते हैं भाग गए, जीत कर हारने वाले हो गए थे सुफियान लूजर. पता नहीं कहीं यू नो एक अजीब सी बेचैनी हो रही है. लाइक यू नो इट्स अ बैड फीलिंग. इम्तियाज डोंट बिहेव लाइक अ चाइल्ड. तुम्हें पता है ना कि दिल्ली के इन्वेस्टर्स यूनाइटेड इंडिया के लिए कितने इंपॉर्टेंट है. हाँ कायनात मुझे पता है वो इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं बस ये सोच रहा हूँ कि अगर कुछ गलत हो गया तो शायद से मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा. इम्तियाज तुम्हें फालतू का वहम हो रहा है. स्टॉप थिंकिंग अबाउट इट. ओके फाइन. अच्छा लिसन, आई कॉल यू वंस आई चेक इन. ठीक है. Goodbye, Kai. Hey, मेरे सेंटी हस्बैंड. It's not goodbye. It's see you soon. Okay, fine, मेरी सेंटी वाइफ. मैं तुमसे गुडबाय नहीं कहूंगा. मैं कहूंगा see you.
एक्सक्यूज मी। देखिए हम जानते हैं कि ये सही वक्त नहीं आपसे बात करने के लिए। अगर आपको एतराज ना हो तो मैं 2 मिनट आपसे अकेले में बात करना चाहता हूँ, प्लीज। देखिए वैसे तो यह एक एक्सीडेंट केस करार दिया गया है, लेकिन पर्सनली मुझे ऐसा नहीं लगता है कि यह एक एक्सीडेंट है। मुझे लगता है कि एक्सीडेंट करवाया गया है। एयरपोर्ट के लिए जो गार्डन लेक से होकर रास्ता जाता है, वहाँ पर 10:30 बजे के बीच किसी ने उस रास्ते को बंद कर दिया था, और वहाँ के लोग बताते हैं कि 11-12 बजे उस रास्ते को फिर से खोल दिया गया। इसका मतलब है कि मिस्टर इम्तियाज अंदर के रास्ते से गए होंगे, जहाँ से कोई ट्रक भी पास नहीं हो सकता, और उसी दिन एक ट्रक खरीदा गया कैश पेमेंट पर, जिसका ना कोई पेपर है और ना ही कोई नंबर प्लेट। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि आपको यह सब सुनकर बहुत मुश्किल होगा, लेकिन ये सब कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता। और देखा जाए तो अगर एक ट्रक और एक कार का एक्सीडेंट होता है तो कार आगे और पीछे से क्रैश होती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मिस्टर इम्तियाज की कार को साइड से टक्कर मारी गई, या किसी ने जानबूझकर किया है। इम्तियाज अलकासी, जो तूने मेरे साथ किया तू भुगतेगा। I'll destroy you. करते रहते हो तुम अपने साथ, ये कैसे हुआ? मैंने सोचा मैं मर जाऊंगा, लेकिन फिर सोचा मैं लूजर की तरह नहीं मरूंगा, और देखो ना इस बेचारा इम्तियाज मर गया। खैर वो बेचारा तो है नहीं, एवरीवन गेट्स व्हाट दे डिजर्व। अल्लाह माफ करे, तुम्हें ये सब क्या बोल रहे हो तुम? मैयत पे इम्तियाज, मैयत पे बोल। सुनो अगर किसी ने ये सब सुन लिया ना तो लगेगा हमें किसी को कुछ पता नहीं चले, किसी के पास कोई प्रूफ नहीं, और लोगों को क्या, वो तो कुछ भी बोलते हैं। बिछड़े हैं ऐसे लगता है जैसे जीना सजा हो गया, अब जिंदगी से रूठा है रब ये मेरा पता मिट गया। लेकर स्याही मैं प्यार की लिखूं कहते हैं कहानियां बदल जाती हैं, किरदार बदल जाते हैं, वक्त के साथ साथ ख्यालात बदल जाते हैं, पर मेरी कायनात के लिए मोहब्बत पहले भी बेबाक थी और उसके इंतजार में ये रहेगी हमेशा मेरी बेबाकी।